जय हिंद दोस्तों, सेल्फ इंजीनियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम IRCTC के माध्यम से इंडियन रेलवे का टिकट बुक करना सीखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके पास कोई आईडी हो तो आप लॉगिन पर क्लिक करना, नहीं तो रजिस्टर पर क्लिक करना। तो चलो हमारे पास आईडी, हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। अगर आपके पास कोई आईडी नहीं है और आईडी बनाना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो चलो हम लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके साइन इन हो जाते हैं। तो चलो साइन इन हो के आगे का भी प्रोसेस हम बताते हैं। हमने अपनी आईडी को लॉगिन कर लिया है, तो सबसे पहले हम मास्टर लिस्ट क्रिएट करेंगे। मास्टर लिस्ट का फायदा ये होगा कि हम अपनी डिटेल जब भरने फिलअप करने जाएंगे तो हमारी डिटेल मास्टर लिस्ट द्वारा फिल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम माई अकाउंट में जाएंगे, फिर माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल में जाने के बाद ऐड मॉडिफाई मास्टर लिस्ट पर क्लिक करेंगे। हमारा नेक्स्ट डैशबोर्ड खुल के आ गया है। यहाँ पे अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बर्थ प्रेफरेंस, फूड चॉइस, सीनियर सिटीजन कॉन्सेशन, आईडी कार्ड टाइप। आप आईडी कार्ड टाइप में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, क्रेडिट कार्ड विद फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट इश्यू आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ट्रेवल डॉक्यूमेंट या स्टूडेंट आईडी कार्ड से आप यहां पर अपनी मास्टर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास आधार कार्ड है, हम आधार कार्ड से मास्टर लिस्ट क्रिएट करेंगे और आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे दे देंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। हमारी मास्टर लिस्ट क्रिएट हो चुकी है, तो हमें अपना ही केवल टिकट बुक करना है। अगर आपको मास्टर लिस्ट में कोई और पैसेंजर डिटेल ऐड करनी है तो आप फिर से ऊपर जाके यहाँ पे नेम और पूरे डिटेल दे के आप फिर से सबमिट करेंगे, यहाँ पर दूसरी भी बन जाएगी मास्टर लिस्ट। तो हम चलो बैक आ जाते हैं अपने होम स्क्रीन पर और यहाँ से फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं। यहाँ पे बैक आ गए हैं, तो यहाँ पे हमें ट्रेन सर्च करना है। यहाँ पे फॉर्म में डालेंगे अपना जहाँ से हमें जाना है और टू तक जाना है, कहाँ तक जाना है वो डालेंगे। तो हमें गौरीगंज से दिल्ली तक का टिकट बुक करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे और कोटा में जनरल ही रहने देंगे। क्लासेस में हमें स्लीपर का बुक करना है और डेट में हमें डाल देना है जबकि चाहिए, तो हमें फरवरी में देखना है, फरवरी 10 को। तो चलो फरवरी 10 पर हम क्लिक कर देते हैं। और क्लासेस में हमें स्लीपर का देखना है, तो स्लीपर SL पर क्लिक करके हम सर्च पर क्लिक कर देंगे। हमारे आगे की डिटेल खुल के आ गई है। ये पहली डिटेल है पद्मावत एक्सप्रेस 14:20:07, और एक ट्रेन और आई है काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस 15:12:07। तो हम चलो काशी विश्वनाथ की पहले देख लेते हैं, स्लीपर में क्लिक करेंगे क्योंकि हमें स्लीपर का टिकट बुक करना है। वो 10 10 फरवरी का ट्रेन कैंसिल हो चुका है, 11 फरवरी को वेटिंग में है 27 सीटें, 12 फरवरी संडे पड़ रहा है उस दिन 23 सीटें वेटिंग में हैं, तो हमें इससे बुक नहीं करना क्योंकि इसमें वेटिंग में है। तो चलो हम पद्मावत का देख लेते हैं, पद्मावत पे देखेंगे, स्लीपर पे क्लिक करेंगे। हाँ, इसमें सीट खाली है, 56 सीट है 10 तारीख को, 11 तारीख को वेटिंग में है, 12 को भी वेटिंग में है, तो हमें 10 का टिकट बुक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और बुक नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे बुक नाउ पर क्लिक करेंगे। इसमें ₹350 इसका टिकट चार्ज है। यहाँ पे बुक नाउ पर हम क्लिक करते हैं। हमें 3 स्टेप पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहले पैसेंजर डिटेल, फिर रिव्यू जर्नी, फिर पेमेंट। तो सबसे पहले ये हमारी ट्रेन की डिटेल आ चुकी है, यहाँ पर अपनी डिटेल देनी है। तो यहाँ पे पैसेंजर नेम पर क्लिक करेंगे तो हम जो मास्टर लिस्ट क्रिएट किए थे वहाँ से हमारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे और हमारी डिटेल फिल हो जाएगी। यहाँ पर ऐड पैसेंजर, अगर आपको और पैसेंजर की डिटेल देनी है तो ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे। तो हमें केवल अपनी ही टिकट बुक करना है। तो चलो हम आगे का प्रोसेस बताते हैं। फिर नीचे जाने के बाद पेमेंट मेथड पे जाएंगे। यहाँ पे हमें 2 पेमेंट मेथड मिल जाते हैं, पे थ्रू क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वॉलेट, भारत QR, पे ऑन डिलीवरी, रिवार्ड्स एंड अदर्स। इसमें हमें ₹15 GST के तौर पर देने पड़ेंगे और दूसरा है पे थ्रू भीम UPI, इसमें हमें ₹10 GST के थ्रू देने पड़ेंगे। तो हमें भीम UPI के माध्यम से करना है। तो चलो कंटिन्यू पर हम क्लिक करते हैं। हमारी नेक्स्ट स्टेप खुल के आ गया है। यहाँ पर है हमारी ट्रेन की डिटेल, यहाँ पे हमारी डिटेल है
और टिकट जो है हमारे जीमेल अकाउंट पर भेज दी जाएगी। और बगल में हमारे चार्ज के अकॉर्डिंग कुछ डिटेल दी गई है, जैसे टिकट की फ़ी है 350 रुपये, कन्वेंशन फ़ी जिसमें GST इंक्लूड है 11 रुपये है, और ट्रैवल इंश्योरेंस की GST के साथ में 35 पैसे है। तो टोटल पैसे हमारे देने होंगे 362 रुपये 15 पैसे, इतने हमें पे करने होंगे। तो आगे बढ़ने के लिए हमें यहाँ पे कैप्चा दिया है, कैप्चा को फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक। हमारे आगे की डिटेल खुल के आ गई, यहाँ पे भीम UPI USSD लिखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। पे यूजिंग भीम पावर्ड बाई पेटीएम आल्सो एक्सेप्ट UPI, ये लिख के आ गया है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, पे और बुक नाउ पे क्लिक कर देंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप खुल के आ गया है, यहाँ पे एक स्कैनर दे दिए हैं, अगर आप चाहो तो इस पे कर सकते हो, नहीं तो UPI ID डालकर पे कर सकते हो। तो हमें टिकट बुक करना नहीं है, केवल हमें बताना था, तो हम पैसे नहीं पे करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें टाइम टू टाइम। जय हिंद, धन्यवाद।